पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह नवरात्रि स्थापना के अवसर पर बाला किला पहुंचे, जहां उन्होंने करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए जीत की मन्नत मांगी। और साथ ही इस दौरान जितेंद्र सिंह ने आमजन को नवरात्रि स्थापना और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एवन टीवी से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि करणी माता अलवर राजघराने की कुलदेवी हैं और इसीलिए वे यहां मन्नत मांगने आए हैं। घराने से हम और जितेंद्र सिंह और करणी माता उनके कुलदेवी है, आज वो पधारे हैं क्योंकि नवरात्र स्थापना भी है। सर, आपने आज माता के शीश नवाजा है, तो क्या इस अवसर पर आपने दुआ मन्नत मांगी है माता के? हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश उन्नति करे, सब लोग स्वस्थ रहें, साथ साथ भाईचारा बना रहे, अमन चैन शांति रहे और हम सब एक मिलकर देश को आगे। आपने अगर बड़ी बात कही है भाईचारा बनी रहे, लेकिन इन दिनों जो चुनाव में बयानबाजी का दौर चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि और दुख की बात है कि देश की जो राजनीति है वो न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है और इसके जिम्मेदार मेरे ख्याल से हम सभी राजनीतिक लोग हैं और बड़े बड़े नेता हैं। पहली बार देखा गया है कि हर चुनाव के अंदर राजनीति का स्तर और नीचे गिर जाता है। हमने इस बार फैसला लिया है कि हम किसी के बारे में, किसी ऑपोजिट कैंडिडेट के बारे में जो हमारे खिलाफ भी लड़ रहा हो, उसके लिए हम बहुत मान और सम्मान से बात करें और स्वच्छ राजनीति के काफ़ी एक तरह से ये चुनाव रहेगा। कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह जिन्होंने संकल्प लिया है कि स्वच्छ राजनीति करेंगे और बयानबाजी जो इस समय दूर चल रहा है उससे दूर रहेंगे। कैमरा पर्सन दरुण के साथ में अलवर से चंद्रशेखर शर्मा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।